उधर दादरी के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक सुनील सांगवान दादरी के सिविल अस्पताल में अपनी मां का इलाज कराने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान मरीजों से बातचीत की और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हालचाल जाना। वहीं अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए। मैं मेरी माँ का इलाज करवाने लेके आया था और फिर सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। मेरी माँ के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। मैं देखना चाह रहा था कि सरकारी हॉस्पिटल में कैसा इलाज हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। मैंने CMO साहब से तमाम स्टाफ की मीटिंग बुलाई है। मैंने उनसे पूछा है कि उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए हैं कि जितनी सुविधा यहाँ उपलब्ध है कम से कम वो सारी की सारी यूज़ में लाई जाएँ, प्रयोग में लाई जाएँ। अल्ट्रासाउंड की मशीन जो पहले मेरे फादर के टाइम में यहाँ लेके आए थे, वो CMO साहब ने कहा है कि खराब पड़ी है, नई परचेज करवाई जाएगी। रेडियोलॉजिस्ट यहाँ नियुक्त है। मैंने मीटिंग बुला रखी है DC साहब की, उनसे जाके बात करके और जल्द से जल्द इसका समाधान करवाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं इस तरह के मेरे प्रयास रहेंगे कि यहाँ से PGI रोड तक किसी को रेफर ना किया जाए, सभी तरह का इलाज यहीं हो।